गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 8 क्लास 1 का एसएसटी पढ़ेंगे, प्लांट्स अराउंड अस। चैप्टर है हमारा प्लांट्स अराउंड अस। प्लांट्स अराउंड अस, आइए चैप्टर का सबसे पहले कुछ वर्ड मीनिंग है उसको जान लेते हैं। चैप्टर पढ़ने से पहले प्लांट PLANT प्लांट मतलब पौधा, मोस्ट MOST मोस्ट मतलब होता है अधिकतर, अधिकतर ज्यादातर, स्वर्ण स्वर्ण मतलब होता है मिट्टी, रूट RWT रूट रूट मतलब जड़, लीफ LEAF लीफ मतलब पत्ती, स्टीम स्टीम मतलब तना, सब्स SHUR DS मतलब होता है झाड़ियाँ, झाड़ियाँ। वर्ड मीनिंग को आपके PDF में भी दिया है और वीडियो में भी आपको वर्ड मीनिंग जाता है, तो वर्ड मीनिंग जितने अच्छे से आप लोग याद कीजिएगा उतना अच्छा से आपका चैप्टर क्लियर होगा, है ना। ग्रो ग्रो मतलब बढ़ना, ट्री TREE ट्री मतलब पेड़, एंड लास्ट है आपका फ्रूट फ्लावर। ये वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग को आप अच्छे से याद कर लेंगे, देख के वीडियो से भी नोट करके आपको याद कर लेना है। प्लांट मतलब पौधा, मोस्ट मतलब अधिकतर ज्यादातर, सॉइल मतलब मिट्टी, रूट मतलब जड़, लीफ मतलब पत्ती, स्टीम मतलब तना, सर्फ मतलब झाड़ियां, ग्रो मतलब बढ़ना, ट्री मतलब पेड़ और फ्लावर मतलब फूल। चैप्टर को वर्ड मीनिंग है, इसका आप लोग लिख के कॉपी में याद कर सकते हैं। हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है प्लांट के बारे में, प्लांट्स के बारे में, आइए जानते हैं प्लांट्स के बारे में। तीन चीजें प्लांट्स, प्लांट्स अराउंड अस, प्लांट्स हमारे चारों तरफ है ना। उसके बाद में पढ़ना है हमको कि पार्ट्स ऑफ प्लांट, पौधे के अंग। उसके बाद पढ़ेंगे प्लांट्स आवर फ्रेंड्स, पौधे जो होते हैं हमारे फ्रेंड्स जैसे होते हैं, दोस्त जैसे होते हैं। आइए जानते हैं प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स, तो प्लांट्स कैन बी बिग और स्मॉल, प्लांट्स कैन बी बिग और स्मॉल, है ना। पौधे छोटा भी होते हैं और बड़े भी होते हैं, पौधे छोटा भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है प्लांट्स आर फाउंड एट द मोस्ट प्लेसेस ऑन आवर अर्थ, प्लांट्स आर फाउंड एट मोस्ट प्लेसेस, मोस्ट मोस्ट मतलब ज्यादातर, मोस्ट प्लेसेस ऑन आवर अर्थ, ऑन आवर अर्थ। पौधे पृथ्वी पे ज्यादातर जगहों पे पाया जाता है, ज्यादातर आपको जगहों पे पौधे आपको पाया जाता है। सम प्लांट्स आर बिग एंड सम प्लांट्स आर स्मॉल, कुछ पौधे बड़े होते हैं जैसे कि हमने कहा बिग और स्मॉल, और कुछ पौधे छोटे होते हैं, है ना। अब हम लोग जानते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में।
पार्ट्स ऑफ प्लांट, पौधे के पार्ट्स, अंग। पार्ट्स ऑफ प्लांट, पार्ट्स ऑफ प्लांट, पार्ट्स ऑफ प्लांट में आ जाते हैं रूट, जिसको हम लोग जड़ बोलते हैं, स्टीम, तना, फ्रूट, फ्रूट मतलब होता है फल, फ्लावर, फ्लावर मतलब ये सब जो है आपका पार्ट्स ऑफ प्लांट है, पार्ट्स ऑफ प्लांट है। और एक आखिरी है आपका लीफ, लीफ मतलब पत्ती। ये जो है ये रूट, स्टीम, फ्रूट्स, फ्लावर एंड लीफ, ये जो है पार्ट्स ऑफ प्लांट है, पौधे के पार्ट्स है, ये पौधे के पार्ट्स है, पौधे के पार्ट्स होते हैं ये, है ना पार्ट्स। ये आपके एग्जाम के लिए भी यूपीआई क्वेश्चन है कि राइट द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट, पार्ट्स ऑफ प्लांट लिखना होगा, तो आपको ये अच्छे से रिमेम्बर कर लेंगे। अब जो है पार्ट्स ऑफ प्लांट में हम लोग, यू हैव लर्न्ड अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हम लोग जिस तरह से हम लोग अपने बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, उसी तरह प्लांट्स ऑल्सो हैव डिफरेंट पार्ट्स, प्लांट्स के पास भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे लुक एट द, आपको एक पिक्चर में आपके बुक में भी दिया है, यहाँ भी हम बना रहे हैं, है ना, इवन जैसे कि एक आपका पार्ट्स ऑफ प्लांट, ये जो होता है रूट होता है ना, ये हो गया रूट, हो गया ये, हो गया लीफ, है ना, ये फ्लावर और ये फ्रूट। ये पार्ट्स ऑफ प्लांट डिफरेंट है ना। अब एक क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन रिलेटेड है, उसको हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ अ प्लांट ग्रोज अंडर द सॉइल, है ना, विच पार्ट ऑफ ए प्लांट, क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ अ प्लांट ग्रो अंडर द सॉइल, ग्रो अंडर द सॉइल, विच पार्ट ऑफ द, तो ये क्या होगा रूट, जड़, पौधा का जो पार्ट होता है ना रूट, जड़, वह सॉइल मिट्टी के नीचे ग्रो करता है, मिट्टी के नीचे ग्रो करता है ना, मिट्टी के नीचे ये ग्रो करता है। हम लोग प्लांट्स के बारे में जाने। नेक्स्ट है हमारा यूजेज ऑफ प्लांट्स, यूजेज ऑफ प्लांट्स, पौधे का उपयोग, क्या क्या यूजेज होता है, यूजेज ऑफ, है ना, द यूजेज ऑफ प्लांट्स, यूजेज ऑफ प्लांट्स, यूजेज ऑफ प्लांट्स में दे आर, प्लांट्स आर आवर फ्रेंड्स,
प्लांट्स आर आवर फ्रेंड्स, पौधे जो होते हैं हमारे दोस्त, जैसे कि दोस्त हमें हेल्प करते हैं, है ना, दोस्त हमारे साथ रहते हैं, उस तरह पौधे भी हमारे जहां भी जाते हैं है ना फ्रेंड्स जैसे होते हैं, हमें हेल्प करते हैं, साथ रहते हैं। दे गिव्स अस मेनी थिंग्स, हमें बहुत सारी चीजें को देते हैं, बहुत सारी चीज है ना, जैसे कि वी नीड एवरी डे प्लांट्स टू गिव्स अस, हम लोग जरूरत नीड जो होता है प्लांट्स का प्रतिदिन होता है ना, जैसे कि आपको फ्रूट्स फूड आपको प्लांट्स देती है, ब्रीदिंग में भी हेल्प करता है ना, सांस लेने में भी प्लांट्स हमें हेल्प करती है, इसका ऑक्सीजन जो होता है वो जो ऑक्सीजन रिलीज करता है छोड़ता है उसको हम लोग लेते हैं, है ना। वेजिटेबल्स सब्जियां जो होते हैं आपको प्लांट्स से ही मिलती हैं, मेडिसिन जो होता है दवा जो है हम लोग पौधे की सही, जैसे तुलसी का, नीम का, बहुत सारे ऐसा मेडिसिन वाले दवा होता है जिसका हम लोग वायल, तेल पौधे से हम लोग को मिलता है ना, वुड लकड़ियां, ये सारी चीजें हमें आपको प्लांट से ही मिलता है, सारी चीजें प्लांट से ही मिलता है, तो ये यूजेज ऑफ प्लांट्स हो गया। अब जानते हैं कि ट्री और प्लांट्स में क्या अंतर है ना, सर्व्स क्या है, ट्री क्या है, प्लांट्स क्या है ना, इस चीज को जानना जरूरी है कि ट्री, व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन ट्री प्लांट्स एंड सर्व्स। यहां देखिए ट्री मतलब होता है पेड़, ट्री मतलब होता है पेड़ है ना, तो वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री, वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री, जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, आप बनियान ट्री, बरगद का पेड़ है ना, नीम का पेड़, पीपल का पेड़, नीम का पेड़, इटीसी, वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री। नेक्स्ट है आपका सर्व्स, सर्व्स मतलब होता है झाड़ीदार पौधा को हम लोग सर्व्स बोलते हैं, स्मॉल एंड बसी प्लांट प्लांट्स आर कॉल्ड सर्व्स। जैसे रोज जो हो गया ये क्या है आपका बसी प्लांट्स है, तो ट्री और सर्व्स आपके पीडीएफ में भी क्वेश्चन आंसर गया है, वर्ड मीनिंग गया है, आपका एग्जाम कुछ दिन में सामने आने वाला है, एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे है ना, और वीडियो लाइव क्लास इसलिए हो रहा है कि आप बार बार वीडियो को देख के अपने चैप्टर को रिवीजन कर सकते हैं, वर्ड मीनिंग क्लियर कर सकते हैं, चैप्टर को समझ सकते हैं, इस वीडियो को देखेंगे आप लोग सारे बच्चे, अच्छे से रिवीजन करेंगे और पीडीएफ से भी रिवीजन करेंगे, जिस बच्चे का पेयर नहीं कंप्लीट हुआ है कंप्लीट करेंगे और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।